बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग्स और आप सभी को अनंत ब्लॉग पे स्वागत है। जो कोई मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। आज हमारा ट्रिप ये था कि हम गुप्तेश्वर टेम्पल जाएँ और गुप्तेश्वर भगवान का दर्शन भी कर ले। तो आज हम गुप्तेश्वर टेम्पल गए हैं सागर के साथ। यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है तो उतना खास अभी नहीं देख पाए। तो अगर आप कभी भी आए गुप्तेश्वर टेम्पल तो आप ज़रूर आए, बहुत अच्छा प्लेस है, मंदिर है और यहाँ आपको बहुत सारा नेचर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलते हैं गुप्तेश्वर मंदिर। तो हम बाइक से निकल गए सागर के साथ गुप्तेश्वर मंदिर की तरफ और हम उससे पहले हम बोंडा घाटी में थे, जो कि आने वाले वक्त में बोंडा घाटी का जितने भी सारे ब्लॉग्स हैं मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो हम गए थे बोंडा घाटी और उधर से आए और हम निकल पड़े गुप्तेश्वर टेम्पल की तरफ और आज आप लोगों के पास गुप्तेश्वर टेम्पल का जो एक खासियत होता है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और ये क्या खासियत है आप बने रहिए वीडियो पे, वो मिल जाएगा देखने के लिए। जब हम गुप्तेश्वर टेम्पल की तरफ जा रहे थे तब हमको एक जंगल मिला। ये जंगल का जो व्यू था, ग्रीनरी व्यू था, बहुत अच्छा था। और जैसे कि मेरे चैनल पे आप देखते हैं बहुत सारा ऐसे नेचर प्लेस बहुत सारा होता है, तो नेचर को आप उपभोग करिए। तो गुप्तेश्वर टेम्पल जाते वक्त बहुत सारा ऐसे रास्ता बन रहा था तो थोड़ा दिक्कत हुआ जाने के लिए और हमको थोड़ा लेट हो गया था अभी जाने बाद, हम इवनिंग हो गया था पहुंचते पहुंचते। ये हम जस्ट पहुंचने वाले हैं गुप्तेश्वर मंदिर के पास और ये एक गुफा था। यहाँ पे बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे फैसिलिटी के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे खाने के लिए भी मिल जाएगा और ये एक हरिहर नाम का एक होटल था वहाँ पे और बहुत सारा अच्छा अच्छा यहाँ पे जगह था घूमने के लिए। तो हम उतना घूम नहीं पाए क्योंकि लेट हो गया था, हमको पहुँचते पहुँचते 4 के ऊपर हो गया था, 5 हो गया था, फिर हमको लौटना था वहाँ से। और ये हम ऊपर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर थोड़ा एक छोटा सा पहाड़ है उसके ऊपर है। जब हम गए थे उस टाइम तो वहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा था और उतना भीड़ नहीं था, नहीं तो ये कोरापुट का एक बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत फेमस है, तो बहुत लोग भीड़ होते हैं यहाँ पे। और ये एक मंदिर बहुत एक बड़ा गुफा है, गुफा के अंदर ये भगवान जी हैं और अब गुफा के अंदर हम जा रहे हैं सागर के साथ। वैसे तो कैमरा अलाउड नहीं है तो मैंने एक पूजक से जो बोला कि मैं एक ब्लॉगिंग करता हूं तो थोड़ा सा सीन लूँगा वहां का और नहीं तो उतना भी लेना नहीं चाहता हूं, बट वो बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा शूट करके वो वहां से निकल जाना। और ये रहा वो शिवलिंग और ये गुप्तेश्वर शिवलिंग है और इसका खासियत ये है कि ये साल भर मतलब इसका साइज बढ़ता बढ़ते रहता है।
और गुफा से हम ऊपर निकल गए हैं सागर के साथ, और ऊपर थोड़ा देखने के लिए आए तो काम चल रहा था तो उतना कुछ शूट कर नहीं पाए, तो हम फिर नीचे चले गए थोड़ा बहुत शूट करके। और कोरापुट का सीरीज कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ, इतना ट्रैवल किया हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। और ये हम नदी की तरफ जा रहे हैं, और थोड़ा दूर ही है वो नदी, 500 मीटर ऐसा कुछ होगा, तो बने रहिए ब्लॉगिंग पे। टेम्पल का टूर हो गया है और हम निकलते हैं और एक टूर की तरफ, और अभी कोरापुट का सारा जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे दिखाने के लिए, तो चलते हैं अनदर ब्लॉक पे।